तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूँ हर्ष और आज हम बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें, हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं जिनमें फेक ब्रेकआउट हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हाई था, ठीक है, ये डे हाई था, डे हाई को यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया प्रॉपर। ठीक है, हम लोग कभी भी ट्रेड करते हैं तो हमारा एक इंतजार होता है कि डे हाई को जब क्रॉस करेगा, ठीक है, तब हम एक एंट्री लेंगे कॉल साइड में। और जब हमने एक कॉल साइड में एंट्री ली तो हमारे पूरा एसएल खाया, और बुरी तरह से हमारा एक एसएल खाया गया, देख सकते हैं। और बुरा किसी ने कॉल लिया है तो उसका अच्छा खासा लॉस हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए, ये एक स्विंग है यहाँ पे। तो स्विंग को हम कैसे यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा जो अंदाजा ये है कि मार्केट एक स्विंग बना के करेक्शन लेके फिर नीचे गिर रहा है, फिर एक स्विंग इसने बनाई है। स्विंग को जब ब्रेक कर रहा है तो हम एक पुट साइड बाई करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम इतना, या फिर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फेक ब्रेकआउट की। तो देखिए, जहाँ पे जैसे इसने स्विंग को ब्रेक किया है नीचे, तुरंत मार्केट रिवर्स करके ऊपर और सबका एसएल खा गया और मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, और भी मैं आगे कुछ दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, और भी काफी सारे मैंने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स आपके लिए उठाए हैं। यहाँ पे देखिए, प्रीवियस में एक हाई था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया प्रॉपर क्लोजिंग की, और ग्रीन कैंडल का इसने ब्रेकआउट भी ऊपर दिखाया। सबने यहाँ पे कॉल बाई किया, मार्केट नीचे, सबका एसएल खा गया और मार्केट गिर गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट था, सपोर्ट का प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद सबने यहाँ पे पुट बाई किया, सबका एसएल खा गया, मार्केट ऊपर। ठीक है, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप फेक ब्रेकआउट से बच जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे फेक ब्रेकआउट को सही ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम एक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बचना जरूरी, प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया क्लोजिंग यहाँ पे की, अगर ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले रहे हो, सबका एसएल यहाँ पे खा गया, ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने इसलिए लगाया, मैं आपको आगे ये एक्सप्लेन करूंगा कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने क्यों लगाया। आप 2 मिनट भी लगा सकते हैं, 5 मिनट मत लगाना भाई। ठीक है, ये एक प्रॉपर सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट, फिर आज का प्रॉपर सपोर्ट। ठीक है, ये जो है ये पिछला दिन है, ये 27 दिन है, ठीक है, 27। तो ये एक प्रॉपर सपोर्ट था, अगेन यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट लिया, अगेन प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट को प्रॉपर ब्रेकआउट किया इसने, फिर अगेन रिटेस्ट करके फिर अगेन एक ब्रेकआउट दिया, सब लोगों ने यहाँ पे पुट बाई किया, सबका एसएल खा गया, क्लियर है। और आगे दिखाऊं मैं तो, ये देखिए बैक टेस्ट तो मैं आपको काफी सारे दिखा दूंगा। ये एक रेंज थी, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, प्रॉपर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया इसने, सबका एसएल खा गया। ठीक है, मार्केट ट्रेंड, पूरा ट्रेंड ही बदल दिया इसने। तो इन ब्रेकआउट से बचने के लिए देखिए, मैं तो ये चाहता था कि प्राइजेक्शन ही एक सबसे बेस्ट तरीका है, आपको सिखाऊं मैं प्राइजेक्शन, लेकिन भाई क्या करें, इंडिकेटर्स की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा जो आपको फेक ब्रेकआउट से बचाएगा, ठीक है, प्राइजेक्शन से आप शायद ना बच पाए। कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें, एक इंडिकेटर मैंने आपके लिए यूज किया है, ये इंडिकेटर मैंने एमएससीडी यूज किया है, शायद किसी ने वीडियो में देखा हो, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने परिवर्तन किया है। आपको वहां पे मैंने सिखाया है कि ट्रेड कैसे लेना है, यूट्यूब पे अगर आप कहें कि एमएससीडी की वीडियो तो यूट्यूब पर भी है, तो यूट्यूब पे मैंने सिखाया है कि कैसे डाइवर्जेंस से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि डाइवर्जेंस से ट्रेड कैसे ले सकते हैं और डाइवर्जेंस की मदद से आप फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, आप बिगनर हैं, अगर आप 1,000 2,000 रुपये से 4,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, आपके पास बड़ी कैपिटल नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि बड़ी क्वांटिटी बाई करें, ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है ये आस्था ट्रेड है। ठीक है, ये मोबाइल में भी ऐसे ही खुलता है, ये लैपटॉप में कंप्यूटर में आपके सामने ऐसे ही खुलेगा, इसमें आप डबल चार्ट एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और इधर मैंने बैंक निफ्टी के प्रीमियम का चार्ट लगाया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा दूसरा फायदा ये है कि ये आपको 5 गुना मार्जिन दे रहा है। ठीक है, 5 गुना मार्जिन का मतलब है जिस लॉट को आप 10,000 रुपये में बाई करोगे, 400 रुपये के प्रीमियम के लॉट को अगर आप बाई करना चाहोगे, 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, तो 5 गुने मार्जिन का मतलब है वो लॉट आपको सिर्फ 2,000 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास में सिर्फ 2,000 रुपये है ना, तो आप इन द मनी एट द मनी पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 2,000 रुपये में आप केवल आउट ऑफ द मनी में ही ट्रेड कर पाते हैं। तो 2,000 रुपये में आप इन द मनी भी ट्रेड कर सकते हैं, ब्रोकरेज चार्ज इसमें बिल्कुल बराबर है जैसा कि और ब्रोकर्स में लगता है, और अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल 0 है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यूज कैसे करना है। देखिए, ये तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, बाकी किसी भी ब्रोकर में, किसी भी आप ऐप में इसे खोलेंगे, किसी भी चार्ट को ओपन करेंगे तो हर एक में ये अवेलेबल मिल जाएगा। बस आपको डालना है MACD, ठीक है, MACD डालना है, ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपके सामने, चलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, MACD, ठीक है, आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ये ओपन होगा, ठीक है, ऊपर वाला तो मैंने इसे ऊपर वाले में तो मैंने सेटिंग्स की कुछ छेड़खानी की है, तो नीचे वाला आपके सामने ऐसे ओपन होगा। तो इसकी सेटिंग में आपको जाना है, ये जो कलर्स हैं इनको, और ये जो कलर्स आपके सामने हैं ये ग्रीन है, ये है, ये है, ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम है, ठीक है, हिस्टोग्राम में आएंगे तो ये जो आपके सामने ये
कैंडल्स टाइप की बन रही है, इसमें आपको ये स्टेप लाइन लगा देनी है, ठीक है। स्टेप लाइन ऐसे अप्लाई कर देनी है, और ये जो कलर्स है, ठीक है, ये जो कलर्स है, पहला ग्रीन, दूसरा रेड, तो इन कलर्स को आपको ऐसे कर देना है, दूसरा वाला आपको रेड कर देना है, ठीक है, और ये आपको फिर से ग्रीन कर देना है, और इसको कर देना है आपको फिर से ये रेड, ठीक है, ये रेड है ये, ठीक है, और ये वाला MACD सिग्नल और जीरो लाइन, इन सबको हटा देना है, ओके। तो इनकी जो ये थिकनेस है ये भी बढ़ा देनी है ताकि आपको और भी ज़्यादा मदद मिले इन्हें समझने में। ये हटा दी, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, थिकनेस में बढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ भी और मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, ये थिकनेस बढ़ा रहा हूँ बस, और इसकी थिकनेस ये रही, ओके सर। तो ये आपके सामने अप्लाई हो गया, कोई भी इसमें घटावटी नहीं करनी है, कोई भी इसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया हो, बाकी आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं वही रखता हूँ जो मैंने एक बार लगाया हुआ है। अब इसको यूज कैसे करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसमें नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं आपको पहले ही बता देता कि भाई आपको कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना होगा, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, और आसानी से ही आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट देखिए, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। सबने यहाँ पे पुट बाय किया क्योंकि ये स्विंग का ये ब्रेकआउट कर रहा है, और ऊपर से रैली भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो मार्केट जाहिर है नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसने बूम करके ऊपर की ओर रिवर्सल कर दिया। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट है, तो पता हमें ऐसे चलेगा कि देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये भी आपके सामने नीचे जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने ये एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ भी ये नीचे बॉटम पे बनाया इसने, फिर मार्केट ऊपर गया, ग्रीन कैंडल्स आई, फिर मार्केट आया नीचे, ठीक है। मार्केट ने किया इसका ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसे कहते हैं भाई डाइवर्जेंस, ठीक है। ये होता है डाइवर्जेंस कि मार्केट लो बना के अगेन एक उस लो को तोड़ रहा है, लेकिन MACD उस लो को नहीं तोड़ रहा है, MACD ने एक ट्रेंड बनाया ऊपर की साइड, MACD ने पिछले लो से भी हाई बनाया है, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ये यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर रहा है, और ये यहाँ पे इस लो से हाई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे जब ब्रेकआउट कोई होगा कि क्या वो हाई को तोड़ रहा है, तो MACD भी उस हाई को तोड़ रहा है, ये कॉल साइड में भी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो ये आपकी समझ में आया, ये फेक ब्रेकआउट हो गया, ओके। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस स्विंग का जब ब्रेकआउट हो रहा है तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ये फेक ब्रेकआउट हो गया, और कंफर्मेशन MACD ने दिया आपको, और आपके टारगेट देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये ऐसा मूवमेंट आपको मिलेगा, थोड़ा धीरे 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 हो सकता है ऊपर जाए। ये देखिए आज का जो पॉइंट है वो ये नहीं है कि आपको फास्ट मूवमेंट ही मिलेगी, मूवमेंट फास्ट मिले स्लो मिले, लेकिन फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं और सही ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और भी आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको इजिली समझ में आए, इतने सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा कि आपके दिमाग में ये घुस जाएगा, ठीक है। ये डाइवर्जेंस नहीं है कि यहाँ पे लो इसका लो इसने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे लो इसका लो इसने काफी ज्यादा ब्रेक कर दिया, ये डाइवर्जेंस नहीं है। ये लो जो है ये यहाँ पे होता नीचे, ठीक है, ये इस साइड पे कम से कम 25 पे, और इस लो को ये ब्रेक नहीं कर पाता, तब ये डाइवर्जेंस होता। तो डाइवर्जेंस आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने काफी ज्यादा लिए हैं, एक रूल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो एक ही रूल है बस, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपके मार्केट में कभी भी गैप अप या गैप डाउन अगर कोई जोन आता है, ठीक है, गैप जोन कभी भी आएगा, MACD वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। कभी भी मार्केट में गैप डाउन या गैप अप होगा, बड़ा होगा तो बड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, छोटा गैप डाउन गैप अप होगा तो छोटा आएगा, ठीक है। ये एक गैप डाउन, अच्छा खासा गैप डाउन है, तो गैप डाउन हो या गैप अप हो, ठीक है, बीच में गैप आना चाहिए, बीच में गैप आ जाएगा तो MACD देखिए यहाँ पे लगातार गिर रहा है, ठीक है, MACD लगातार गिर रहा है, और MACD आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कि आप लोग उसे समझ नहीं पाओगे। तो जब गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट, तो कम से कम 10 या 10:30 बजे तक, ठीक है। देखिए MACD, देखिए मार्केट तो लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, यहाँ तक गिर रहा है, MACD ने आपको यहीं पे बताया कि यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये गिरता आ रहा है, MACD ऊपर दिखा रहा है, तो ये जो डिस्टर्बेंस आता है ये आता है आपका गैप की वजह से। तो जिस दिन गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो कम से कम 10:30 बजे के बाद, कम से कम 10:30 बजे के बाद MACD यूज करें, चाहे जिस दिन गैप बना हो मार्केट में, ठीक है। और 10:30 बजे के बाद आप जब MACD यूज करेंगे तो चार्ट में डाइवर्जेंस बनते रहेंगे, MACD आपको दिखाता रहेगा, लेकिन मॉर्निंग में आप इसे तभी यूज करें जब गैप ना हो, ठीक है, गैप होगा तो डिस्टर्ब हो जाता है ये। अब बात करते हैं अपने एनालिसिस की, एनालिसिस में आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये लो है, ठीक है, इस लो को इसने प्रॉपर ब्रेकआउट किया नीचे, ठीक है, मार्केट लगातार नीचे आ रहा था, इस लो से मार्केट ने ये करेक्शन लिया, मार्केट और नीचे गिरा, तो इस लो को इसने ब्रेक किया, जो भी यहाँ पे पुट बाई करेगा उसका SL छोड़िए, उसका तो पता नहीं क्या किया है, प्रॉफिट कुछ अच्छा खासा इसने दिया है, लेकिन हम इसे फाइंड आउट कैसे करें, कौन सा तरीका है जैसे हम फाइंड आउट कर सकें इसे। तो ये जो लो यहाँ पे बनाया है इसने, ये लो यहाँ पे इसने भी बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या सुना, अभी अभी क्या दिखाया, मैंने गैप दिखाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, लेकिन ये गैप है, इस गैप अप की वजह से, ये जो गैप जोन आया है ना, इस गैप की वजह से मार्केट डिस्टर्ब रहा, मार्केट गिरता रहा, MACD गिरा फिर ऊपर उठा, ठीक है, कुछ अलग ही यहाँ पे सिनारियो इसने बनाया, ये आपकी समझ नहीं आएगा, तो 10:30 या 11 बजे तक आपसे यूज ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे 11 बजे के बाद का टाइम है, तो 11:30 बज गए, यहाँ पे एक लो इसने यहाँ पे बनाया, इस लो को इसने जब ब्रेक किया तो ये समझ चुका है, इसने इसको ब्रेक नहीं करने दिया, ठीक है, थोड़ा सा किया जो कि ये काफी ज्यादा ब्रेक कर चुका है यहाँ तक, ठीक है,
लेकिन जब इसने यहाँ पे ये लो बनाया, उसके बाद ये जो दूसरा लो आया यहाँ पे देखिए, एक लो दूसरा लो, लेकिन यहाँ से ये हाई बनाया इसने, अगेन तीसरा वाला लो यहाँ पे आया, इससे भी ये वाला और ज्यादा हाई है, अगेन ये मार्केट ऊपर जाने लगा, तो ये भी ऊपर जाने लगा। तो एमएससी, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, एमएससीडी जरूरी नहीं है वो ऊपर आपके साथ में ही जाएगा, वो ट्रेंड आपको पकड़ना है, ये आपको केवल फेक ब्रेकआउट से बचाएगा, आपकी एंट्री कराएगा, ठीक है। उसके बाद ये इतना गिर रहा है, ये ज्यादा गिर रहा है, तो इससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं रखना, आपको ट्रेंड फॉलो करना है अपने हिसाब से, अपनी कोई और स्ट्रेटजी के हिसाब से, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इतना बड़ा टारगेट, डे हाई तक का टारगेट, वो सब कुछ आपको एक्सपीरियंस बताएगा, ठीक है। ये आपको बताएगा फेक ब्रेकआउट, कि यहाँ से मार्केट नीचे इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन इसको इसने ब्रेकआउट खास नहीं किया, तो मतलब कि यहाँ पे सेलर्स का जो जो जोर है वो खत्म हो गया, और तो बायर्स यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है ना, ये बायर्स यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, आपकी एंट्री हो जाएगी। इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा मैं आपको, सब कुछ आपको ईजिली समझ में आएगा। देखिए मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और ये एक स्विंग इसने बनाया, ठीक है, स्विंग बनाया, लो आया, स्विंग का ब्रेकआउट किया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक स्विंग था, अगर ये एक स्विंग था, इस स्विंग का इसने ब्रेकआउट किया ऊपर की साइड में, अगर आप यहाँ पे कॉल बाय करेंगे तो आपका एसएल हिट, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, ये जो स्विंग है यही यहाँ पे एमएससीडी ने कहा भाई यहीं पे हाई बन गया, बस बहुत है, तू अब ऊपर मत जा। जब यहाँ से ये ब्रेकआउट नीचे करके ऊपर की साइड में गया ब्रेकआउट करके, तो ये एमएससीडी क्या दिखा रहा है, कितना ज्यादा लो, एमएससीडी बड़ा ही नहीं है, जा रहा है तू जा, ठीक है। जैसे एक पिता होता है और एक बेटा होता है, तो बेटा कह रहा है कि नहीं मैं तो वहीं पे जाऊंगा, है ना, बेटा कह रहा है मैं तो वहीं पे जाऊंगा, लेकिन पिता क्या कह रहा है कि जाना है तो जा, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो ना चाहते हुए भी बेटे को पिता के साथ में वापस घर आना पड़ता है, वो वहां पे जाता नहीं है, वैसा ही कुछ है, ये पिता है एमएससीडी, ये बेटा है, मार्केट ने यहाँ से हाई ब्रेक किया, मार्केट कह रहा है भाई मैं तो ऊपर जाना चाहता हूँ, लेकिन पिता तो हिला भी नहीं है, ये तो हिला भी नहीं है भाई, ये कह रहा है कि तुझे ऊपर जाना है तो जा, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, तो फिर मार्केट को भी साथ में वापस घर आना पड़ा। ये चीज आप सीख जाइए, काफी हेल्प होगी आपकी ट्रेडिंग में। क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक लो इसका ब्रेकआउट किया नीचे, ठीक है, एक लो यहाँ पर है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट ऊपर, बहुत ईजी है, बिगनर्स की शायद समझ में आ चुका होगा, वीडियो भी काफी लंबी कर दी मैंने, कुछ एग्जांपल्स और दे देता हूँ, ठीक है। ये लोअर लो है, ठीक है, लो को ब्रेकआउट करके नीचे आया, लेकिन इस लो से इसने काफी ज्यादा ऊपर जाके क्लोजिंग की है, तो कितना कितना ज्यादा डाइवर्जेंस है, देखिए यहाँ पे इस लो को ब्रेक करके नीचे आया, लेकिन ये तो ऊपर इतना ज्यादा चले गया, क्या मतलब है, एक बड़ी रैली, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बड़ी रैली, कैंडल्स रेड बनती हुई आ रही है नीचे और ये ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है इसका, एक बड़ी रैली। बस ये चीज फाइंड आउट करना सीख जाइए आप, कैंडल्स रेड बन रही है, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे बायर्स आ रही है, मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, और एक बड़ी रैली आपके सामने आई। ओके, ये देखिए वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग कहेंगे कि छोटी सी मूवमेंट को दिखा रहा है, छोटी मूवमेंट नहीं है ये लो, इस लो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट किया, इस लो को ब्रेकआउट किया यहाँ पे, देखिए अभी ये वाला लो देखिए, इस लो में और इस लो में कितना बड़ा डाइवर्जेंस है ना, कहां तो यहाँ से दो कैंडल्स बना के बूम करके नीचे, और ये थोड़ा सा हिला भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एमएसडी हिला भी नहीं है, मार्केट बूम करके ऊपर, ये देखिए गैप है ना, गैप की वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी है, ठीक है, ये यहाँ पे गैप है, यहाँ से मार्केट ऊपर गैप गया है, ये देखिए, और इस गैप की वजह से 10:30 बजे तक मार्केट, देखिए यहीं से मार्केट ने, इसने एमएचडी ने कहा गिर जा, और ये भी गिरा है, लेकिन डिस्टर्बेंस होता है, तो शुरुआत में आप, आपको अगर दिखे कि हाँ सही दिखा रहा है एमएचडी, अगर आपको दिखे कि सही दिखा रहा है, तो ही आप इसे यूज करें, कि यहाँ पे हाई है, ये भी हाई है, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है इसके साथ में, तो आप इससे बस यही अंदाजा लगाएं कि मार्केट के साथ में चल रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस ये आपको नहीं दे पाएगा, डाइवर्जेंस आपको देगा ये जब गैप नहीं होगा, या फिर गैप का असर जा चुका होगा, 10:30 या 11 बजे तक गैप का असर चले जाता है, तब ये इसका मूड शांत होता है, गैप से ही इसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये मान के चलिए आप। बस अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला लो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ओके, और एमएसडी में ये वाला लो इसने यहाँ पे बनाया है, इसका हाई यहाँ पे बनाया है, ठीक है, यहाँ पे लो को ब्रेक करके नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना हाई है, डाइवर्जेंस क्लियर दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से ये मार्केट ऊपर, इसके बाद यहाँ पे ये देखिए रेड कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर, ग्रीन कैंडल के साथ एंट्री आपकी, देखिए प्रॉफिट कितना अच्छा खासा है, इतना आप समझ लीजिए, डाइवर्जेंस आपको इतना बड़ा दिखेगा तो रैली भी इतनी बड़ी मिल जाएगी, ठीक है, लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रहा है, डाइवर्जेंस देखिए इतना बड़ा अगर आपको मिलेगा, प्रॉफिट इतना बड़ा मिल सकता है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस आपको लेना होगा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही ये चीज आपको सिखाई है और बताई भी है, कि एक्सपीरियंस अगर आप नहीं लेंगे तो शायद आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, एक्सपीरियंस आपको लेना होगा। एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग करने से, लाइव ट्रेड करने से, वो भी अंदाजा लगा के, मार्केट तो लाइव ही देखना है आपको, बस पैसा नहीं लगाना, वो होती है पेपर ट्रेडिंग। इस लो को इसने ब्रेक किया नीचे और यहाँ पे डाइवर्जेंस आपके सामने है, ठीक है, लो को ब्रेक किया नीचे और लो को ब्रेक यहाँ पे नहीं किया है, मूवमेंट आपके सामने है, बाकी आपकी स्ट्रेटजी और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, अगेन ये ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल थी वो ग्रीन में कन्वर्ट हुई, बायर्स आए, अगेन बायर्स आए, अगेन बायर्स, तो एक रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं, ये वाली रेड पे ले सकते हैं, ये वाली रेड पे, ये वाली रेड पे, टारगेट आपके सामने है। और भी दिखा देता हूँ, मैंने मार्क कर रखे हैं कहीं यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए ये मार्केट जो है आज के दिन गैप है, ठीक है, गैप अप है, तो ये मार्केट मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये रूल खुद ही बनाया, ये मैं इसे कैसे ब्रेक करूँ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक स्विंग बनाया इसने, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एक स्विंग ये वाला इसने बनाया यहाँ पे, ठीक है, इसको ब्रेकआउट ऊपर की साइड में किया, फिर भी इसने एक डाइवर्जेंस दिखाया, इस स्विंग का ब्रेकआउट ऊपर की साइड करके मार्केट नीचे, लेकिन इस स्विंग से ही, ठीक है, एमएसीडी इसी स्विंग से नीचे गिरने लगा, तो मार्केट तो जा रहा है ऊपर, स्विंग को हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन ये लगातार गिर रहा है। लगातार गिरने का मतलब है कि मार्केट को भी गिरना पड़ेगा, शायद आपको इतने ज्यादा मैंने दिखाए हैं, शायद आपको समझ में आए हो। फेक ब्रेकआउट तो आपको हर जगह दिखे होंगे, ठीक है, फेक ब्रेकआउट तो शायद आप 100% आप समझ ही चुके होंगे कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। इस हाई को इसने ब्रेकआउट किया तो क्लोजिंग पे, ठीक है, ये एक डे हाई बनाया इसने, फिर मार्केट नीचे आया, हम लोग क्या कहेंगे इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम एक एंट्री लेंगे, लेकिन इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया प्रॉपर, और जिन्होंने कॉल बाई किया मार्केट नीचे, सबका ऐसा लेट, लेकिन यहाँ पे ये स्विंग यहाँ पे बनाया इस हाई ने, देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया है, इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है, मार्केट नीचे आ जाएगा, आप ये रेड कैंडल के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं, रेड कैंडल का ऊपर स्टॉप लॉस, ग्रीन का देख सकते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस एंट्री आपको मैं इजिली बताता जा रहा हूँ। तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस या फिर एंट्री रख सकते हैं, बाकी आप लाइव में आइए, लाइव में सीखिए सब कुछ, मैं समझाता हूँ, दिखाता अभी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा आपको बैकटेस्ट दिखा दिए, तो शायद मैंने जितने मार्क लगा रखे थे वो खत्म हो गए, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजी आपको शायद बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश भी की है आपको समझाने की, ठीक है। ये एक हाई बनाया, इसका हाई यहाँ पे देखिए, ये दोनों हाई बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों हाई बराबर नहीं है, तो ये एक डाइवर्जेंस हो गया, ये हाई यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा, ठीक है, ये एक हाई यहाँ पे है, दोनों हाई बराबर है, लेकिन ये हाई यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख गया, तुरंत एक रेड कैंडल आपको दिखी, तो ब्रेकआउट के साथ में आप एंट्री ले सकते हैं, बाकी ये आपको समझ में आएगा लाइव देखने के बाद, ठीक है। हाँ, एक और आ गया डाइवर्जेंस, वो बड़ी मूव है, इसलिए यहाँ पे शायद मार्क कर दिया, ये दोनों बराबर है, ठीक है, चलिए मानते हैं ये दोनों बराबर है, ओके, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस देखिए, ये मैंने कितने सारे ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए आप, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोनों लो बराबर है, ठीक है, एक लो दूसरा लो, दोनों लो बराबर है, तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि मूव इतना बढ़ाएगा, सबको एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास है एमएसईडी, मार्केट जब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ना, तब तक ये एमएसईडी काफी ऊपर जा चुका है, उसके बाद ये डाउनफॉल इसने दिखाया, एमएसईडी हिला भी नहीं है, ठीक है, एमएसईडी बस थोड़ा सा मूव किया नीचे, तो ये हमें पता चला कि एमएसईडी डाउन नहीं आ रहा है, तो मार्केट में एक बुलिशनेस आने वाली है, मार्केट में बुल्स आने वाले हैं, मार्केट में बायर्स आने वाले हैं, खरीदार आएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और शायद ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स लेकर आएगी, आपके प्रॉफिट्स को भी बढ़ाने में मदद कर सकती है ये स्ट्रेटजी। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जो लोग एम स्टॉक के बारे में नहीं जानते हैं भाई, उनको मैं बता दूं, यहाँ पर ट्रेडिंग करने पर आपको ब्रोकरेज चार्ज 0 लगेगा, मतलब कि 1 रुपये का भी आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस जो है वो है आपकी 999 की, 999 रुपये पे करने के बाद आपका जो अकाउंट ओपन होगा उसमें आपका 1 रुपये का भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा भाई, सभी ब्रोकर्स में 20 रुपये पर ट्रेड आपको चार्ज देना पड़ता है, और हमारा रोजाना का कम से कम भाई 200 300 400 रुपये 500 रुपये, हो सकता है कभी कभी हम 1500 रुपये तक का भी ब्रोकरेज चार्ज दे देते हैं एक दिन में। ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे में नहीं देना, ट्रेडिंग में नहीं देना भाई, डिलीवरी फ्यूचर कहीं भी आप ट्रेडिंग कीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी आपको मिल जाएगा, बैंक निफ्टी मिल जाएगा, निफ्टी 100, निफ्टी 200, मतलब कि यहाँ पे आपको सारे इंडेक्सेज एक ही लाइन में लगे हुए मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये यह है कि भाई आपको ग्लोबल इंडेक्सेज यहाँ पे एक ही लाइन में लगे हुए मिल रहे हैं, कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो ग्लोबल मार्केट को देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, तो ग्लोबल मार्केट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट कौन सी साइड में जाने वाला है। तो अगर आप ब्रोकरेज से परेशान हैं, ब्रोकरेज दे देकर थक गए हैं भाई, रोजाना 200 300 500 का ब्रोकरेज आप देते हो, तो एक बार में आप 999 रुपये का अकाउंट ओपन करा के आप एक ही बार में फ्री हो सकते हैं अपने जीवन भर के ब्रोकरेज से। तो जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं।